योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, देसी गाय की खरीद पर देगी 40,000 रुपये की सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, 40,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से गाय खरीदने पर दी जा रही है। किस तरीके से सब्सिडी आपको मिलेगी, क्या क्या करना होगा, फुल डिटेल आपको बता रहा हूँ, प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्यों के गोपालकों की आय बढ़ाने, उनको आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गो संवर्धन योजना लेकर आई है। स्वदेशी गो संवर्धन योजना, गो संवर्धन योजना के तहत आपको 40,000 रुपये की से प्रदान की जाएगी। इनमें क्या होगा कि अगर आप अन्य राज्य से देसी नस्ल की गाय खरीदते हैं, जिनमें साहिवाल, थरप्रकार, गिर ये नस्ल है, अगर इन देसी नस्ल की गाय आप किसी अन्य राज्य से खरीदते हैं, वहां से जो गाय आएगी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, टूरिस्ट इंश्योरेंस है, पशु इंश्योरेंस है, अन्य खर्चे हैं, उन पर जो धनराशि खर्च होगी उन पर सब्सिडी दी जाएगी, सरकार की ओर से उन पर सब्सिडी दी जाएगी। दो देसी नस्ल की गायों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। दुग्ध आयोग एवं मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि नंद बाबा मिशन के तहत प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने के लिए दूसरे राज्य पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर जैसी देसी नस्ल की गाय खरीदने पर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विभिन्न मंदों के लिए व्यय का 40% अधिकतम 40,000 रुपये प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा। यह धनराशि गोपालकों को गाय को दूसरे राज्य से प्रदेश में लाने पर पड़ने वाले परिवहन लागत, ट्रांजिट इंश्योरेंस और 3 साल के पशु इंश्योरेंस पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के डेयरी किसान या गोपालकों को अनुदान धनराशि अधिकतम 2 देसी नस्ल की गायों की खरीद पर दी जाएगी। यानी कि जो 40,000 रुपये हैं ये आपको जो है 2 गायों की खरीद पर दिए जाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के डेयरी किसानों को उच्च नस्ल एवं उच्च उत्पादकता वाली डेयरी गायों के पालन पर योगी सरकार मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना के लिए 10 से 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके तहत डेयरी किसानों को देसी नस्ल वाली साहिवाल, गिर हरियाणा, गंगातीरी और थारपारकर गाय पर 10 से 15,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस धनराशि को 2 भाग में बांटा गया है। इसमें साहिवाल, गिर और थारपारकर गाय द्वारा 8 से 12 किलो प्रतिदिन दूध देने पर 10,000 रुपये, 12 किलो से ज़्यादा प्रतिदिन दूध देने पर 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं हरियाणा गाय द्वारा प्रतिदिन 6 से 10 किलो दूध देने पर 10,000 रुपये और 10 किलो से ज़्यादा दूध देने पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गंगातीरी गाय के 6 से 8 किलो प्रतिदिन दूध देने पर 10,000 रुपये और 8 किलो से ज़्यादा दूध देने पर 15,000 रुपये की धनराशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। दोस्तों, हमारे इस कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसके संबंध कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही घंटे के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लेना, ताकि घर बैठे आपको भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई नई जानकारी मिलते रहे। इस योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने यहाँ के कृषि विभाग के कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं।